मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। फिर और एक जानकारी देना चाहता हूं, हमारे देश में कुछ विदेशी कंपनियों ने कंडोम का बड़ा व्यापार शुरू किया है और उस व्यापार में प्रचार होना चाहिए, उसके लिए एड्स का बहाना लिया है और एड्स का बहाना लेकर टीवी पर, अखबारों में, सिनेमा में, पत्रिकाओं में, हर जगह वो विज्ञापन दे दे के एक ही चीज़ समझा रहे हैं, आप कुछ भी करो कंडोम का इस्तेमाल करो। ये नहीं बताते हैं कि अपने ऊपर संयम रखो, ये नहीं बताते हैं कि संयम से जीवन बिताओ, ये नहीं बताते हैं कि अपने पति और पत्नी के साथ वफादारी निभाओ, वो कहते हैं कुछ भी करो कंडोम का इस्तेमाल करो। इसका दुष्परिणाम पता है क्या हुआ है, मात्र 15 साल में इस देश में 100 करोड़ कंडोम हर साल बिकने लगे हैं। 15 साल पहले बिकने वाले कंडोम की संख्या हजारों में भी नहीं थी, अब 100 करोड़ कंडोम हर साल बिक रहे हैं और अंधाधुंध विदेशी कंपनियां इस धंधे में उतर पड़ी हैं। करीब 20 बड़ी विदेशी कंपनियां हैं, अमेरिका की, कुछ जापान की, कुछ मलेशिया की, फ्रांस की, वो इस देश में इसी धंधे में उतरी हुई हैं। और उनका टारगेट क्या है, उनका टारगेट है कि 100 करोड़ कंडोम एक साल में नहीं, एक दिन में बिकने चाहिए, ये उनका लक्ष्य है। और उसके लिए रात दिन वो हिंदुस्तानी नौजवानों को, नवयुवतियों को बहलाकर, फुसलाकर, गलत रास्ते पर ले जाकर ऐसी जगह खड़ा कर रहे हैं जहां ये अपसंस्कृति हमारे देश में फैले और हमारा सदाचार खत्म हो, हमारी नैतिकता कमज़ोर पड़े, हमारा आत्मसंयम कमज़ोर पड़े और हम इनके कंडोम के ग्राहक बन जाएं, उपभोक्ता बन जाएं। बहुत बड़े पैमाने पर विदेशी कंपनियों का ये व्यापार चल रहा है। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।